ठीक है। चलो आर्टिकल 25 से 28 के ऊपर आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर आता है ये। जो 25, 26, 27 ये जितने भी आर्टिकल्स हैं अभी इसके बारे में बात करेंगे 28 तक। तो ये वाले हम कंप्लीट कर लेते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आज, देन फिर जीके कर लेंगे। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये कि फ्रीडम ऑफ कंसाइस, ये एक अलग वर्ड है। कंसाइस वर्ड का मीनिंग हमें समझना है कि कंसाइस क्या होता है। फ्री प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, सर ऑफ आप रिल। ऑडिबल नहीं है। अच्छा मेरी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी सॉरी, मेरे को लगा मैं बोल रहा हूँ और आवाज़ आ रही है। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो अभी आ रही है ना आवाज़? यस सर, ठीक यस है। सर। फ्रीडम ऑफ कंसाइस हमें देखना होगा इसके अंदर, मतलब इसे बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो कंसाइस है इसका मीनिंग क्या है, प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन इनका मीनिंग क्या है, वो सब हमें समझना है। और इसके अंदर पर्टिकुलरली बोल क्या रहा है, देखो जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमने प्रियम्बल पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो उसके अंदर हमने सेक्युलर वर्ड अपने प्रियम्बल के अंदर ऐड किया था। तो उसको अगर हम नहीं भी ऐड करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आ रहा था। तो हमें अलग से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने इसलिए ऐड कर दिया ताकि एक तरीके से क्लियरली हमें दिख जाए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में सेक्युलर है। तो इसलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसको ऐड कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री सेक्युलर है, तो हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंट्री इरिलीजियस है या एथिस्टिक है, यानी कि किसी भगवान में भरोसा ही नहीं करती, या इस तरीके की चीज़ें हम बोलने की कोशिश नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो रिलीजियस मैटर होंगे उस बेसिस पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी, वो कुछ भी ज़्यादा शो करने की कोशिश नहीं करेगी, या ये नहीं करेगी कि हम एस्थेटिक है, हमें भगवान में भरोसा ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो न्यूट्रल रहेगी, ना ही कोई अलग से कोई चीज़ बोलेगी, ना ही कुछ उसके अंदर करेगी, वो सभी को एक जैसा ट्रीट करेगी, चाहे कोई एंटी गॉड हो, चाहे कोई प्रो गॉड हो, कोई कोई चाहे कोई बहुत डिवोट हो, बहुत ज़्यादा बिलीव करता हो गॉड के अंदर, चाहे कोई एंटागोनिस्ट हो, चाहे कोई एथीस्ट हो कि मानता ही नहीं कि भगवान है ही नहीं, वो सबको एक जैसा ट्रीट करेगी। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं रहेगा कि कोई व्यक्ति किस चीज़ के अंदर बिलीव करता है। और साथ ही साथ ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं इसी के थ्रू हमें ये भी कहा गया कि जो स्टेट है पर्टिकुलरली, जैसे हमारी कोई जो पूरी कंट्री है या कोई उसके अंदर स्टेट है, उनका भी अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। कोई गवर्नमेंट ये डिक्लेयर नहीं कर सकती कि हम पर्टिकुलरली इस रिलीजन के हैं या हमारा ये रिलीजन है, ऐसे कुछ भी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। हम तीनों ही चीज़ों को, जो जितनी भी चीज़ें होती है, तीनों चारों चीज़ें होती हैं, उन सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, चाहे चर्च हो, चाहे मॉस्क हो, चाहे टेम्पल हो, चाहे इसके अलावा कोई और रिलीजियस प्लेस हो, सभी को हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। हम किसी के साथ भी ऐसे अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्या? तो चाहे हमारे रिलीजन्स हो, चाहे हमारे रिलीजियस डिनोमिनेशंस हो। अब ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस अभी आगे चल के आर्टिकल 26 के अंदर और डिटेल के अंदर आएगा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन होते क्या हैं। चाहे हमारे कोई रिलीजन हो, चाहे हमारे रिलीजन डिनोमिनेशंस हो, हम सभी को इक्वल ट्रीट करेंगे, हम किसी के साथ भी अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ पर्टिकुलरली यहाँ पे आती है। और हमारा जो इंडियन कंसेप्ट है ना, ये अमेरिका के कंसेप्ट से अलग है। इंडिया के अंदर हमने अपने आप को क्या कहा कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर अगर हम जाएंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, तो उन्होंने अपने बीच में और स्टेट के बीच में, यानी कि रिलीजन के बीच में और स्टेट के बीच में, एक अलग सी दीवार बना दी कि हमें रिलीजन के अंदर जाना ही नहीं है, हमें रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एक तरीके से वो प्रो रिलीजन हो गए, तो हम जो है सॉरी एंटी रिलीजन टाइप के हो गए जो अमेरिका के अंदर है। लेकिन जो हमारी स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, उसके थ्रू अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो ना ही हम एंटी रिलीजन है कि हम धर्म को मानेंगे ही ना मानेंगे ही नहीं, ना ही हम प्रो रिलीजन है कि हम ये बोले कि हम बहुत ज़्यादा ही जो स्टेट है वो रिलीजन के अंदर बिलीव करती है। तो हम न्यूट्रल हैं, हमारी जो स्टेट है वो न्यूट्रल रहेगी, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल होके काम करेगी। अब यहीं पे अभी आर्टिकल 25 स्टार्ट होने से पहले ही हमारा एक केस आ जाता है, अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ये आप लिख सकते हो 2002 का केस है, अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन अभी आगे चलेंगे इसके अंदर तो आपको समझ आ जाएगा।
तो इसके अंदर क्या था कि ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2002 की, जिसको न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोला गया था 2002 की, जिसके अंदर क्या था कि ना उस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देने की बात की जा रही थी स्कूल चिल्ड्रंस को। और उसके अंदर ये जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन थी ना, ये सभी धर्मों के ऊपर बेसिस थी, सभी रिलीजन्स के ऊपर बेसिस थी। तो जो ये केस था इसके अंदर बोला गया, मतलब जो पिटिशनर था उसने ये कोर्ट से बोला कि आप इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये हमारे आर्टिकल 28 को वायलेट कर रही है और ये एंटी सेक्युलर है, सेकुलरिज्म को ये प्रमोट नहीं कर रही। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये अगर हम ये चीज़ें रिलीजन के बारे में स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे तो वो सेक्युलर फिलॉसफी के अगेंस्ट नहीं होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेक्युलर फिलॉसफी है उसके अगेंस्ट नहीं होगा। हम इतने टाइम से, मतलब हमें कितने साल हो गए, 50 साल हो गए, मतलब 2002 के अंदर हमें आज़ाद हुए हुए, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली, और अभी भी हम अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है, जो रिलीजन्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे। तो अगर सेक्युलरिज्म के थ्रू हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करें कि किसके रिलीजन में क्या है और उसको पॉजिटिव मीनिंग उसका लेके चलें, तो इसके कारण हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और जो हमारे बीच में डिफरेंसेस रहते हैं, इंटर रिलीजन डिफरेंसेस रहते हैं, वो खत्म होंगे। और सेक्युलरिज्म जो है, हम इसके अंदर स्टेट जो है वो अपनी न्यूट्रल अप्रोच रखेगा और स्कूल के अंदर सिर्फ ये एजुकेशनल तौर पे पढ़ाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि हम सेक्युलरिज्म को ना या तो न्यूट्रल अप्रोच ले लें या पॉजिटिव अप्रोच ले लें, हम इसको नेगेटिव अप्रोच की तरह नहीं ले सकते। न्यूट्रल यानी कि हम कुछ एक्ट ना करें, पॉजिटिव यानी कि हम इसको प्रमोट करें, हम ये नहीं कि हम कुछ फंडिंग कर रहे हैं उसकी या इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको प्रमोट करें, एक पॉजिटिव तरीके से लेके चले कि हम सबको सिखाएं उसके अंदर है क्या। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ही महात्मा गांधी के एक वर्ड्स कोट किए थे कि सर्वधर्म संभव, कि जब हम सभी धर्मों को सीखेंगे, मतलब जब सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे तो हम सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करेंगे, तो इस चीज़ को हम लेके चले। लेकिन हम यहाँ पे इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से सेक्युलरिज्म को ना सर्वधर्म अभाव के तरह लेके चल रहे हैं कि हम सभी रिलीजन्स को निगेट कर रहे हैं, साइड हटा रहे हैं, हमें दूसरे रिलीजन्स को सीखना ही नहीं है। तो हमें इस कंसेप्ट को लेके नहीं चलना, हमें सर्वधर्म संभव के कंसेप्ट को लेके चलना है जो महात्मा गांधी ने बोला था। और अगर हम किसी को ये रिलीजन्स के बारे में सिखाते हैं तो हम उनके कल्चर्स डेवलप करेंगे, उनको ये सब चीज़ें सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बोल के बोला कि ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बोला गया। तो ये हमारे आर्टिकल 25 को पढ़ने से पहले ही हमारा ये वाला केस आ जाता है। और एक और केस आ जाता है यहाँ पे, इसके अंदर क्या था कि संस्कृत लैंग्वेज को ऐड किया गया था उसके अंदर, CBSE के सर्कुलर के अंदर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो गया कि क्या अगर हम संस्कृत लैंग्वेज को ऐड कर रहे हैं तो क्या ये एंटी सेक्युलर होगा। अभी ये वाला समझ आया था आपको, अरुणा राय वाला? ठीक है, यस सर फिर इसके बाद और संस्कृत लैंग्वेज के लिए कि क्या अगर हम अपने CBSE के अंदर संस्कृत लैंग्वेज को ऐड करते हैं तो क्या हम एंटी सेकुलर कहलाएंगे, कि हम सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, ये केस है हमारा 1995 का, केस का नाम है संतोष कुमार वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, संतोष कुमार वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसके अंदर क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने हेल्ड किया कि अगर हम संस्कृत लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, जिसको हम CBSE बोलते हैं, ये अपने आप में सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो जो संस्कृत है वो मदर ऑफ ऑल आर्यन लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी आर्यन लैंग्वेजेस हैं उन सबकी मदर संस्कृत ही है। और कोर्ट ने डायरेक्शन दी CBSE को कि ये नेसेसरी अमेंडमेंट्स करें अपने सिलेबस के अंदर और 3 महीने के अंदर अंदर संस्कृत को भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट बना दे, क्योंकि ये हमारे कल्चरल हेरिटेज को नर्चर करता है, उसके थ्रू हमारी कल्चर हेरिटेज बढ़ती है आगे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर जैसे कि ये जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है इसके थ्रू हम जो हिंदू रिलीजन है उसके अंदर जितने वेद होते हैं, पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं, ये सब के सब संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं। तो जितनी भी टीचिंग्स है, जैसे कि अगर आप शंकराचार्य की देखोगे, रामानुजन की देखोगे, माध्वाचार्य की देखोगे, ये हमें समझ ही नहीं आएगी अगर हमें संस्कृत ही नहीं आती होगी। तो इसलिए बोला कि इनकी हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी है, इसलिए हम अपनी CBSE की सिलेबस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ उसको पर्टिकुलरली बोली गई कि जो बाकी लैंग्वेज होती हैं जैसे कि अरेबिक होती है या पर्शियन लैंग्वेज होती है, उनको हम सेम स्टेटस नहीं दे सकते। तो ये चीज़ इस केस के अंदर बोली संतोष कुमार वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पहले के इससे पहले, मतलब आर्टिकल इस वाले टॉपिक को ही स्टार्ट करने से पहले ये वाले दो केसेस हमें पता होने चाहिए, एक अरुणा राय वाला और एक संस्कृत वाला। इन दोनों केस में कोई डाउट है? नो सर, नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सामने आता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया की बात की जा रही है कि हमारे देश के अंदर
आपको धर्म की जो है फ्रीडम होगी, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू बोल रहा है, सब्जेक्ट टू। अगर आप रिलीजन को फॉलो भी कर रहे हो ना, लेकिन वहाँ पे अगर कोई पब्लिक ऑर्डर, मॉरेलिटी या हेल्थ की बात आ जाएगी, या फिर पार्ट थ्री यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके कोई और फंडामेंटल राइट्स की बात अगर बात आ जाती है और वो अगर वॉयलेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं मिलता। ऑल इसके छोड़ के, इन सब चीज़ों को छोड़ के, यानी कि पब्लिक ऑर्डर की अगर कहीं बात आती है, मॉरेलिटी की कहीं बात आती है, या हेल्थ की कहीं बात आती है, और साथ ही साथ अगर बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं इनकी कहीं बात आती है, तो उनको हटा दो। इसके अलावा अगर आप कोई भी पर्सन हो तो आपको क्या मिल रहा है, इक्वली इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कंसाइस एंड द राइट ऑफ फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, कि आप जो धर्म है उसको आगे बढ़ा सकते हो। अब देखो सबसे पहले रिलीजन रिलीजन है क्या, ये भी समझाने की कोशिश करी। अब रिलीजन जो होता है ना, ये एक मैटर ऑफ फेथ है कि आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, अब आप किस किस चीज़ के अंदर बिलीव कर रहे हो, मतलब एक एज ए इंडिविजुअल या कम्युनिटी के तौर पर आप किस किन लोगों के बीच में रह रहे हो, किस तरीके की चीज़ों में बिलीव कर रहे हो, तो मतलब एक डॉक्ट्राइंस को फॉलो कर रहे हो आप, कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, कि किन एथिक्स को फॉलो करना है, किन रिचुअल्स को फॉलो करना है, किन सेरेमनीज को फॉलो करना है, किसकी वर्शिप करनी है या किस तरीके से वर्शिप करनी है, किस तरीके का खाना खाना है, क्या ड्रेस पहनी है, तो ये सारी चीज़ें रिलीजन के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो मतलब कि पर्सनल फेथ की बात बताई गई, कि जो आप इंटरनली फेथ मतलब जिस चीज़ में बिलीव करते हो उसको हम रिलीजन बोल देते हैं। तो रिलीजन के लिए यहाँ पे दो चीज़ें आई कि हम दो चीज़ों के लिए फ्री हैं, हम कर सकते हैं कोई भी चीज़। एक तो फ्रीडम ऑफ कंसाइस है हमारे पास, पहली चीज़ फ्रीडम ऑफ कंसाइस है, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, द राइट ऑफ फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट की बात हो रही है। अब फ्रीडम ऑफ कंसाइस का मतलब क्या होता है, कंसाइज का मतलब है कि मैं अपने अंदर से क्या मान रहा हूँ, मैं अपने अंदर से गॉड के साथ क्या रिलेशन मान रहा हूँ, मैं उसके लिए फ्री हूँ कि मैं जैसा मर्जी अपना रिलेशन मान सकता हूँ गॉड के साथ। तो इंटरनल जो रिलेशन है ना मेरा, जो मेरे उसकी भी फ्रीडम है कि मैं एज अ सिटीजन ऑफ आर कंट्री मैं कुछ भी अपना रिलेशन गॉड के साथ मान सकता हूँ, उसका मुझे क्या दी गई है, फ्रीडम दी गई है, मेरे को इस चीज़ की फ्रीडम है कि मैं कुछ भी रिलेशन मान सकता हूँ। और जब मैं एक्सटर्नली उसको ले आता हूँ, जब मैं लोगों को शो करता हूँ कि मेरा कैसा रिलेशन है गॉड के साथ, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, मतलब एक तरीके से मैं एक्सप्रेस करता हूँ आउटवर्ड फॉर्म के अंदर कि मैं इस तरीके से चीज़ें करूंगा, तो वो मेरा किसके अंदर आ जाएगा, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा, कि किस तरीके से मैं लोगों को शो कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को। तो प्रोफेस का पर्टिकुलर मीनिंग क्या हो जाएगा, कि मैं लोगों के बीच में डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे कि लाइक अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं लोगों के बीच में डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मैं किस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। तो इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, कि मेरे को प्रोफेस करने का राइट है। इसी तरीके से अगर मैं प्रैक्टिस की बात बोलूँ कि मुझे प्रैक्टिस करने का राइट है, तो यानी कि जो भी मेरी, जैसे अगर मैं जिस रिलीजन से बिलोंग कर रहा हूँ उसके अंदर जो भी रिलीजियस ड्यूटीज़ हैं, जो भी चीज़ें करनी बताई गई हैं, राइट्स हैं, रिचुअल्स हैं, या अपने आप को एग्जिबिट करने के तरीके से हैं कि मैं अपनी आइडियाज़ किसी को एग्जिबिट करूँ या इस तरीके की चीज़ें करूँ, तो वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी, प्रैक्टिस करने के अंदर आ जाएगी। तो मुझे उसकी भी इक्वलिटी है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे उसकी फ्रीडम है, और सभी को ये फ्रीडम है, सिर्फ मुझे नहीं, कोई किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा हो सभी को ये फ्रीडम दी गई है। और प्रोपोगेट का मतलब, प्रोपोगेट करने का मतलब क्या है, कि मैं लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, उसको स्प्रेड कर सकता हूँ, पब्लिसाइज कर सकता हूँ, अपने व्यूज़ जो है मेरे धर्म से रिलेटेड, मेरे रिलीजन से रिलेटेड, वो सबको बता सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को अपने रिलीजन के अंदर कन्वर्ट करने लग जाऊँ, कि इसको भी बोलूँ कि ये मेरे राइट टू रिलीजन के अंदर इंक्लूड हो रहा है, मेरे को यहाँ फ्रीडम है इस चीज़ की, तो मैं किसी को कन्वर्ट करने लग जाऊँगा, तो वो चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन कंसाइज के अंदर जो मैं इंटरनली देख रहा हूँ, मैं इंटरनली जो गॉड के साथ अपना रिलेशन देख रहा हूँ, प्रोफेस का मतलब कि प्रोफेस प्रैक्टिस का मतलब जो मैं बाहर शो कर रहा हूँ, तो प्रोफेस के अंदर मैं सबको बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से इस रिलीजन से हूँ तो मुझे ये राइट है। प्रैक्टिस यानी कि जो भी मेरे रिचुअल्स हैं इसके अंदर वो मैं कर सकता हूँ। प्रोपोगेट करना मतलब कि मैं आगे बढ़ा सकता हूँ अपने धर्म को, अपने धर्म के बारे में आगे लोगों को बता सकता हूँ। तो ये सारे राइट हमें आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 के अंदर दिए गए हैं। ये वाला समझ आया, आर्टिकल 25 का क्लॉज 1? ठीक है। अब यहीं पे आपका एक, हमने पहले भी केस किया था, कौन सा, बिजॉय एमेन्योल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो वो वाला केस आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो कि आपके आर्टिकल 25 क्लॉज 1 की रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट की जा रही है। क्या था इस केस के अंदर, बिजॉय एमेन्योल वाले में? स्वर्णाश्रांतम केस। हाँ जी, बिजॉय एमेन्योल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। सबको पता है ये वाला, या बता दूं एक बार दोबारा? एक बार
इस केस के अंदर बस इतना ही था कि ये दो तीन बच्चे होते हैं एक स्कूल के अंदर पढ़ते होते हैं, तो उनके स्कूल के अंदर नेशनल एंथम होता है, तो जब नेशनल एंथम होता है ना तो ये नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट के अंदर खड़े तो हो जाते हैं लेकिन उसको गाते नहीं है। तो बार बार स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन इनको बोलते हैं कि आप उनको आप नेशनल एंथम को रिसाइट कीजिए, बोलिए उनको, सिंग कीजिए, तो ये मना कर देते हैं। ये बोलते हैं कि हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जिनकी प्रेयर करते हैं, जिहोवा नाम के इनके गॉड होते हैं, उन्होंने ही हमें क्रिएट किया, और हमारे रिलीजन के अंदर ऐसा होता है कि हम सिर्फ उन्हीं की प्रेयर कर सकते हैं और किसी के लिए हम सिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट के अंदर खड़े हो जाएंगे। तो ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ठीक है, ये जो है किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं हो रहा, और यहाँ पे हमें इनके जो रिलीजन है उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी आर्टिकल 25(1) के अंदर ही, और जो ये नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट के अंदर खड़े हो रहे हैं तो हम इनको कंपेल नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जो हमें ये बोले कि हम इनको कंपेल करें कि आप नेशनल एंथम को सिंग करें। तो ये हेल्ड हुआ था इस केस के अंदर। ओके सर, देन इसी तरीके का एक और केस आता है लेकिन इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल आप लिख सकते हो अगर लिखना हो तो, रमेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसके अंदर एक सीरियल टेलीकास्ट होता है जिसका नाम होता है तमस, मतलब बहुत पुराना है ये केस, अभी का तो नहीं है, 1988 का है। तमस नाम का एक सीरियल आता था दूरदर्शन के ऊपर, तो ये जो है उसके अंदर यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर केस कर देता है क्योंकि दूरदर्शन गवर्नमेंट का ही है, और बोलता है कि आप इस सीरियल को प्रोहिबिट करो क्योंकि ये क्या कर रहा है, कॉम्यूनल राइट्स को दिखा रहा है जो हमारे इंडिपेंडेंस के वक्त हुए थे, पार्टीशन के वक्त जो कॉम्यूनल वायलेंस हुए थे उन चीज़ों के बारे में दिखा रहा है, और ये एक नॉवल के ऊपर बिलोंग करता है, श्री भीष्म साहनी की नॉवल है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी पार्टीशन के वक्त क्या क्या हुआ था, तो इसको आप बैन कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आर्टिकल 25 को वॉयलेट कर रहा हो, और ये जबकि हमें ऐसे लेसन्स दे रहा है कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें अवेयर कर रहा है इस बारे में, तो ये आपके आर्टिकल 25 क्लॉज 1 का वॉयलेशन नहीं कर रहा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। अगला केस आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, एन आदित्य वर्सेस त्रवणकोर देवस्वम बोर्ड, मैं नाम लिख देता हूँ इसका, एन आदित्य वर्सेस ट्रेवनकोर देवस्वाम बो, और ये केस है आपका, पता नहीं डेट कब केस की, ठीक है केस का नाम ये है। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि जो ब्राह्मिन्स होते हैं ना उन्हीं के पास सिर्फ ये मोनोपोली नहीं है कि वो एक पुजारी का काम करे टेंपल के अंदर, अगर कोई नॉन ब्राह्मिन भी है और उसको सारे रिचुअल्स आते हैं, वो प्रॉपरली ट्रेंड है, वेल वर्ज है सारे रिचुअल्स के साथ, उसको सारे मंत्र आते हैं जो भी बोले जाते हैं और सारी चीज़ें उसको पता है, तो वो भी ये काम कर सकता है, और उसको ये राइट है अंडर आर्टिकल 25 क्लॉज 1 कि आप एक नॉन ब्राह्मिन को भी एक टेंपल का पुजारी बना सकते हैं। ये चीज़ पर्टिकुलरली इसके अंदर हेल्ड हुई थी। ये चार्जिंग पे तो लगा हुआ है, एक मिनट रुको। तो ये वाला केस समझ आया, यस सर। छोटा सा ही था, कुछ नहीं था इसके अंदर, बस इतनी बात हो रही थी।
फिर एक केस आता है इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके अंदर ना एक्विजिशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप की बात की गई थी कि ये आपके आर्टिकल 25 क्लॉज 1 का वायलेशन नहीं होगा। इसके अंदर क्या था कि जो स्टेट होती है ना, वो अपने सॉवरन पावर को यूज़ करके ना किसी वर्शिप की प्लेस को एक्वायर कर सकती है। जैसे कोई मॉस्क हो गए, कोई चर्च हो गए, कोई मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, कोई भी इस तरीके की चीज़ हो गई ना, वो उसको एक्वायर कर सकती है। जैसे अभी आप टीपीए पढ़ रहे होगे, टीपीए के अंदर आपने मे भी अभी पता नहीं मुझे पढ़ा नहीं पढ़ा होगा कि जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं जैसे मंदिर मस्जिद होते हैं, इनको आप वैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पढ़ा है भी आपने? यस सर। हाँ, तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते होते। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये राइट दिया कि इन प्लेसेस को हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, और किसी के पास ये पावर नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सॉवरन पावर होती है, तो वो इनको एक्वायर कर सकती है इन प्लेसेस को। और इसके अंदर हमारा आर्टिकल 25 का वॉयलेशन नहीं माना जाता। देखो, 25 का वॉयलेशन तब माना जाएगा जब कोई भी चीज़ ना किसी रिलीजन की एसेंशियल पार्ट होगी या इंटीग्रल पार्ट होगी। लेकिन जैसे अगर इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर, जो इस्माइल फारूकी वाला केस था, इसके अंदर जो रिलीजियस प्रैक्टिस की जा रही थी, जिसके अंदर एक मॉस्क थी और उसको गवर्नमेंट एक्वायर करती है, तो जैसे ये पहुंच जाते हैं कि आप हमारे आर्टिकल 25 का वायलेशन कर रहे हो, 26 का वायलेशन कर रहे हो, तो कोर्ट उसके अंदर ये हेल्ड करता है कि आपका जो मॉस्क है ना, मॉस्क जो होती है वो कोई आपकी एसेंशियल पार्ट नहीं है रिलीजन की, क्योंकि आप जो अपनी प्रेयर करते हो वो आप कहीं पे भी कर सकते हो, उसके लिए मॉस्क का होना ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट वैसे भी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर कर सकती है। तो ये चीज़ इस केस के अंदर हेल्ड हुई थी, सर, केस का नाम क्या है? इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ISMAIL, इस्माइल फारूकी, FARUQUI, फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी तरीके का एक और केस आता है गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हम समझ सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो दो कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे शिया और सुन्नी जो होती है मुस्लिम्स के अंदर, दो कम्युनिटीज़ होती है और उनके बीच में ना क्लैशेज़ होते रहते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कोई मोहल्ला वगैरह होता है दोशीपुरा वाराणसी के अंदर, वहाँ पे ये इनके इस तरीके के होते हैं कि भाई जो रिलीजियस राइट्स हैं वो कौन से सेक्ट के लॉक करेंगे, शिया करेंगे, सुन्नी करेंगे, एक सर्टेन प्लॉट के ऊपर ये इनकी लड़ाई चल रही होती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाती है 7 लोगों की, जिसके अंदर 3 होते हैं शिया और 3 होते हैं सुन्नी और 1 होते हैं डिविजनल कमिश्नर, जिनको बनाया जाता है, डिविजनल कमिश्नर होते हैं जिनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। तो ये कमेटी रिकमेंड करती है कि जो ये जो पर्टिकुलर प्लॉट है ना, इसके अंदर सुन्नीस की 2 ग्रेव बनी हुई है, जिसके चलते ये रिलीजियस राइट को करने के लिए वहाँ पे बोलते हैं। तो ये कमेटी ये रिकमेंड करती है कि इन ग्रेव्स को यहाँ से निकाल के और किसी और जगह पे जहाँ पे भी फिजिबल हो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फिर बोला जाता है कि भाई चैलेंज की जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई आर्टिकल 25 और 26 का वॉयलेशन हो रहा है कि आप इस तरीके से ग्रेव्स में से बॉडीज़ को निकाल के और दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी ये हमारे आर्टिकल 25 या 26 का वॉयलेशन नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपने आर्टिकल 25 या आर्टिकल 26 को फॉलो करना है तो अपने आप में एक तो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हमने देखा ना पब्लिक ऑर्डर ये सब चीज़ें के लिए हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी पब्लिक ऑर्डर की बात हो रही है कि आप बार बार क्लैशेस कर रहे हो, दो कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, तो उस क्लैशेस को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ से उस चीज़ को हटाया जाए। और अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ करना चाहती है यहाँ पे जो कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरेलिटी या इन चीज़ों से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जो पार्टीज़ होती हैं उनकी कंसेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं होती जो भी वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को कर सकती है और जो ये जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है ये एकदम रिकमेंडेशन सही है। तो ये क्लैशेज जो है आपके यहाँ पे हटाने के लिए दी गई है। इस केस का नाम लिखना है तो लिख सकते हो, केस का नाम है गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1984 का केस है ये। देन एक इम्पॉर्टेंट केस आता है जो ट्रिपल तलाक के ऊपर आता है, जिसके अंदर आपका ट्रिपल तलाक को एबोलिश किया गया था। अभी रिसेंट केस है, ज़्यादा पुराना नहीं है। एबोलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक आता है जिसके अंदर। केस का नाम है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक आपका केस वहाँ पे आता है शायरा बानो वाला आता है जो सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अंदर आता है। यहाँ पे जो आता है वो होता है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों केसेस अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये 2017 का केस है,
शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो ट्रिपल तलाक होता है जिसको तलाक ए बिद्दत बोला जाता है जो मुस्लिम लॉ के अंदर पढ़ते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था 3-2 की मेजोरिटी से, यानी कि तीन जो जजेस थे वो बोलते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दो इसके फेवर में रहते हैं, तो अब मेजोरिटी थी तो फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया। इसके अंदर पर्टिकुलरली आपको पता ही है तलाक ए बिद्दत के अंदर होता है क्या है कि कोई अगर जो हस्बैंड होता है वो 3 बारी तलाक 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 बोल देता है सेम टाइम के अंदर, तो जो वुमेन होती है उससे उसकी उससे उसका डिवोर्स हो जाता है इसी तरीके से। और इससे पहले का जो डिसीजन था, काफ़ी साल पुराना डिसीजन था राशिद अहमद वाला, वो प्रीवी काउंसिल ने दिया था, तो उसको यहाँ पे ओवर रूल कर दिया, ख़त्म कर दिया, जिसके अंदर बोला था कि जो ट्रिपल तलाक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और वो सही है। लेकिन यहाँ पे फिर इस केस के अंदर शायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल किया और बोला कि वो सही नहीं है, एक तो अपने आप में एक आर्बिट्री है वो, और साथ ही साथ हमारे आर्टिकल 14 को भी वॉयलेट कर रहा है जो इक्वलिटी की बात करता है कि आप वुमेंस को इक्वलिटी नहीं दे रहे। और ये जो सेक्शंस हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के सेक्शन हैं, सेक्शन 2 और ये जितने भी सेक्शंस हैं 13(3)(b), ये सब के सब क्या कर रहे हैं, सेक्शन 2 पर्टिकुलरली, सेक्शन 2 क्या कर रहा है कि ये उनका जो आर्टिकल 14 का राइट है उसको वॉयलेट कर रहा है, तो इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको सही नहीं माना जाएगा। और आप ये नहीं बोल सकते कि इसके कारण आर्टिकल 25 सबसेक्शन 1 सबक्लॉज 1 का हम वॉयलेशन कर रहे हैं। तो बस इतनी सी बात हेल्ड हुई थी शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये छोटा सा एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछ सकता है कि कौन से केस के अंदर ट्रिपल तलाक को एबोलिश किया गया था, तो बस ये इसमें से आपसे इतना सा क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? नो स्नेहा आपको समझ आया? सर ठीक है। नलिन समझ आया? नलिन प्रेजेंट हो? ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर आ सबसे, गया सर। ठीक है, बड़ी देर में रिप्लाई है। सर वो भाई कुछ लाया था खाने के लिए तो। ठीक है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग लॉ टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। अब ये जो बातें हैं ना, ये क्या कह रहा है कि ये जो आर्टिकल है जो भी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ये स्टेट गवर्नमेंट को रोकेगा नहीं किसी भी लॉ बनाने से, किस चीज़ के रिगार्डिंग लॉ बनाने से, रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ है जो कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल या पॉलिटिकल रिगार्डिंग कोई चीज़ है, तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग लॉ बनाने से नहीं रोका जाएगा गवर्नमेंट को। और इसी के बी के अंदर क्या बोल देता है कि प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म फ्रॉम थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक करेक्टर इन ऑल क्लास एंड सेक्शन ऑफ हिंदू। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं या हिंदू रिलीजियस के अंदर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके अंदर जैसे होता था ना कि पर्टिकुलर क्लास के लोग ही जाएंगे, कि ब्राह्मण ही सिर्फ घुस सकते हैं टेम्पल के अंदर या यही लोग जाएंगे, ऐसा कुछ होता था, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और इन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एनफोर्स कर सकती है कि जो उसके टेम्पल्स हैं वो टेम्पल्स के जो डोर हैं वो सभी के लिए खुले रहेंगे, ऐसे आप किसी के लिए बंद नहीं कर सकते उनको, तो ये चीज़ भी यहाँ पे बोली गई। तो पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मेन चीज़ ये आ जाती है जो हमने इसके अंदर पढ़ी थी कि इस इन तीन चीज़ों को यूज़ करते हुए, पब्लिक ऑर्डर, मॉरेलिटी और हेल्थ को यूज़ करते हुए या बाकी किसी प्रोविज़न को सेव करने के लिए पार्ट 3 के, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल बना सकती है, और वहाँ पे चाहे आपके इन चीज़ों का वॉयलेशन हो रहा हो, कंसाइज प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का किसी रिलीजन को, तो वहाँ पे भी अगर आपका वॉयलेशन हो रहा है तो वो माना जाएगा अगर ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे अगर आपको इसको एग्जाम्पल दूँ जहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो किया गया, जैसे एक पहले ना साउथ इंडिया के अंदर एक प्रथा चलती थी जिसको देवदासीज बोला जाता था, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स जो होते थे ना उनकी ट्रैफिकिंग होती थी, तो उसको एबोलिश किया गया, तो वहाँ पे वो उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे कंसाइस या रिलीजन से रिलेटेड है तो ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी के अगेंस्ट है, हेल्थ के अगेंस्ट है। तो इन चीज़ अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करके उन चीज़ों को रोक सकती है, जैसे पहले होता था, जैसे अब तो चीज़ें नहीं है, सती प्रथा जैसे जानते थे आप, तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ें होंगी तो उनको मना कर सकती है। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल आता है आनंद मार्गिस का, जानते हो आनंद मार्गिस क्या चीज़ है? नो सर। इसके अंदर क्या होता था, ये आनंद मार्गिज ने एक रिलीजियस डोमिनेशन डिनोमिनेशन ही है, हिंदूज के अंदर इंक्लूड होता है, ये क्या करते थे जब अपना प्रोसेशन निकालते थे ना, जैसे जुलूस वगैरह जो भी बोलो आप, जो भी निकालते थे अपना एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, जो भी एक तरीके से इकट्ठे होकर जो निकलते हैं, तो उसके अंदर ये तांडव डांस करते थे जो जो हम देखते हैं शिव जी का, उसके अंदर ये तांडव डांस करते थे, तो जिस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर करते थे ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेक्शन 144 ऑफ CRPC इम्पोज कर दिया था। 144 क्या है CRPC का?
वही कि 5 लोग से ज़्यादा नहीं मतलब वही जाते। कि किसी भी पर्सन को ऑर्डर कर सकते हैं कि आप ऐसे इस तरीके की चीज़ें नहीं करोगे, ये सब चीज़ें जो उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो 144 CRPC इम्पोज कर दिया था। और इसके अंदर जब वो तांडव डांस करते थे ना, तो उसके अंदर बहुत सारे जैसे ऐसे डेंजरस बोल सकते हो आप वेपन्स होते थे उनके पास, जो कि वो पब्लिक में लेके निकलते थे। डैगर्स होते थे, त्रिशूल होते थे, और स्कल्स होते थे ह्यूमन के, जो कि बड़े डेंजर टाइप के होते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपका जो तांडव डांस है, जो आप प्रोसेशन के अंदर करते हो, जब आप अपना ये प्रोसेशन निकालते हो, इसके अंदर आप बहुत सारे लीथल वेपन्स लेके निकलते हो, खतरनाक से वेपन्स लेके निकलते हो, ह्यूमन स्कल्स लेके निकलते हो, जो कि अपने आप में एसेंशियल नहीं है। ये वर्ड याद रखना, एसेंशियल चीज़ होनी चाहिए तो फिर गवर्नमेंट रोकने से पहले सोचती है। एसेंशियल चीज़ नहीं है ये। आप ये जो तांडव डांस कर रहे हो, उसके अंदर ये जो आप ये चीज़ें लेके निकल रहे हो, लीथल वेपन, ह्यूमन स्कल्स, ये अपने आप में एसेंशियल्स रिलीजियस राइट्स नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आनंद मार्ग को फॉलो कर रहा है पर्टिकुलरली इस चीज़ को, ये एसेंशियल्स नहीं है। इसलिए जो सेक्शन 144 CRPC इम्पोज किया गया, ये वैलिड है, और आपके सेक्शन 25 सेक्शन ट्वेंट सॉरी आर्टिकल 25 26 को वॉयलेट नहीं कर रहा। ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, ये पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, मॉरलिटी के अगेंस्ट है, और ये चीज़ें लोगों को हार्म कर सकती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें उनको मना की गई कि आप ये चीज़ें नहीं करोगे, और आप ये नहीं बोलोगे कि आपके आर्टिकल 25 या 26 का वॉयलेशन हो रहा है। तो ये केस था जिसके अंदर ये चीज़ आई थी, जो जिसको फेमस केस बोला जाता है, आनंद मरगा केस भी बोला जाता है। केस का नाम काफ़ी बड़ा है, मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर पाओ। आचार्य जगदीश्वर आनंद अवधूता वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस कैलकटा 1984 का केस है। ये इस वाले केस के अंदर हैंडल हुआ था, आचार्य जगदीश आनंद अदूता वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसको हम फेमसली आनंद मरगा केस भी बोलते हैं, आनंद मरगा केस। तो इसके अंदर ये हैंडल हुआ था। इसी तरीके से एक और केस आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस आता है। इसके अंदर क्या था कि ना, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस के अंदर, ये आपका 2003 का केस है। इसके अंदर ना जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट था 1994 का, उसका सेक्शन 175 था। उस सेक्शन के अंदर क्या आता कि ना, उसने बोला कि अगर किसी को पंचायत राज के इलेक्शन के अंदर खड़ा होना है, तो उसके दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, टू से ज़्यादा चिल्ड्रंस नहीं होने चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो ये पर्सन जो था जावेद, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि आप हमारे आर्टिकल 25 का वायलेशन कर रहे हो, क्योंकि हमें मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो पर्सनल लॉ है हमारा, उसके हिसाब से हमें 4 मैरिजेस करना अलाउड है। तो कैसे ये पॉसिबल है कि हमारे सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन होंगे? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जो आपका रिलीजन है, वो आपको एसेंशली ये नहीं बोल रहा कि आप चार चार शादियां करो। उन्होंने आपको अलाउ किया, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपको अपने रिलीजियस को फॉलो करने के लिए, अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए, ये चीज़ें करने के लिए कोई एसेंशियल नहीं है आपके रिलीजन के अंदर। मैंडेट नहीं करता आपका रिलीजन कि आपको चार शादियां करनी है। तो अगर आपको इलेक्शन लड़ने हैं, तो आपके दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और आपके आर्टिकल 25 क्लॉज 1 या आर्टिकल 26 का कहीं पर भी वॉयलेशन नहीं हो रहा। ये केस था जावेद वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ठीक है, ईयर कौन सा है? इस वाले केस का, इस केस का ईयर था 2003। और ये वाली जो बात है, जैसे रेगुलेटिंग रेस्ट्रिक्टिंग एंड इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल और अदर सिक्योरिटी एक्टिविटी विच मे हैव एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आपकी फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस है ना, जो आप कर सकते हो रिलीजन के लिए, जो आपको दी जा रही है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी आपको फ्रीडम दी जा रही है, ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए जो कि आपके रिलीजन के एसेंस के अंदर आती है, जो कि आपके रिलीजन को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है, जो इसका मतलब निकल के आ रहा है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर कोई नॉन एसेंशियल चीज़ है, कोई भी जो आपके रिलीजन के अंदर ज़रूरी नहीं है या एसेंस नहीं बनाती आपके रिलीजन का, तो वो चीज़ आप पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते कि हमारे रिलीजन के अंदर बोली गई और हम इसको फॉलो करेंगे। तो अब ये इजी नहीं होता ऐसा बताना कि कौन सी चीज़ हमारे रिलीजन का एसेंस के अंदर आती है, कौन सी नहीं आती। तो ये हर एक जो अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है, तो वहाँ पे फैक्ट फैक्ट के हिसाब से देखा जाता है कि ये कोई एसेंस है रिलीजन की या नहीं है। जैसे एक केस आता है, उसके अंदर क्या था कि जैसे जो मुस्लिम्स थे वो ना बकरीद के ऊपर वो करते थे, जो क्या कहते हैं, काओ जो होती है ना, उनको सेक्रीफाइस करते थे। तो अब यहाँ पे इस चीज़ के लिए मना किया गया,
जो एक स्टेट ने जो भी अपना एक्ट वगैरह बनाया उसके अंदर मना कर दिया उनको कि आप ये चीज़ें नहीं करोगे, बिहार का केस है, तो वो पहुंच गए कि भाई हमारे आर्टिकल 25 का वॉयलेशन हो रहा है और हमारे को टू जो क्लॉज टू है वो तो बोलता है कि हमारी जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं हम वो करेंगे, जो 2A वाली बात है कि जो एसेंस है हमारे रिलीजन की वो चीज़ें तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आपका एसेंस नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है मोहम्मदन रिलीजन का कि आपको बकरीद के ऊपर काओ को सेक्रीफाइस करना है, तो यहाँ पे आर्टिकल 25 क्लॉज 2A का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो हमें ये चीज़ पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा कि क्या ये एसेंस है या नहीं है, और फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि ये आर्टिकल 25 क्लॉज 2A का वायलेशन है या नहीं है। इसके ऊपर ना बहुत सारे और भी केसेस आए थे, जो स्लॉटर हाउस के ऊपर ना बहुत सारे और भी केसेस आए थे, लेकिन एक केस अगर आप लिख लेते हो तो मोर देन एनफ है। ये वाला केस का नाम लिख लो, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये मतलब एक तरीके से कह सकते हो इंडिया का फर्स्ट ही केस था जो इस तरीके का आया था 1958 के अंदर, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस तरीके के ना बहुत सारे और भी केसेस आए, जैसे एक औरबिंदो का केस भी आया था, लेकिन वो भी इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। कॉस्मिक सल्वेशन का वो छोड़ देते हैं, उसको कोई इतना नहीं है, उसको करने की जरूरत नहीं है। फिर सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म्स की बात तो हो ही गई, जो 2B के अंदर हम देख लेते हैं। ये जो सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म की बात की जा रही है, या फिर हिंदू रिलीजियस के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डोर्स खोलने की बात की जा रही है कि सभी क्लासेस या सेक्शंस ऑफ हिंदूज को वहाँ पे एंटर करने दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो सोशल वेलफेयर है, सोशल रिफॉर्म हम देख रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि हम स्टेट को क्या कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं कि वो सोशल वेलफेयर और सोशल रिफॉर्म के लिए लॉज बना सकती है। यही चीज़ें देख रहे हैं ना कि किस किस चीज़ के लिए जो स्टेट है वो लॉ बना सकती है। तो यानी कि अगर किसी भी लॉ के अंदर कोई ऐसी सोशल प्रैक्टिस हो रही है या ऐसे कोई डॉगमाज हैं जो कि हमारी कंट्री के प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है। इसके लिए केस आता है पर्टिकुलरली इन दो वर्ड्स के लिए, सोशल वेलफेयर वर्सेस सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स के लिए, कि भाई इस तरीके की चीज़ के लिए लॉ बना सकती है हमारी गवर्नमेंट। इसका केस का नाम है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस वारासुआ बाप माली, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस वारासुआ बाप माली। इसके अंदर क्या था कि फिर जैसे, वारस हुआ। हाँ, VARASU, वारासु बाप माली, BAPAMALI, 1953 का केस है। हिंदू मैरिज एक्ट कौन से ईयर में बना था, 1955 तो उससे पहले का केस है, ठीक है। तो इसके अंदर ये व्यक्ति था, अभी जैसे ये लॉ बनाया जा रहा था तो ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट की भाई आप जो है हमारी जो हमारे हिंदू रिलीजन है इसके अंदर आप हमारी बायगेमी को प्रोहिबिट कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हिंदू रिलीजन के अंदर पॉलीगैमी जो है एसेंशियल पार्ट नहीं है कि आप एक से ज़्यादा शादियां करोगे, तो वो आपके क्लॉज 2B को वॉयलेट नहीं कर रहा। तो अगर इस तरीके का एक्ट बन रहा है जो कि आपको इससे रोक रहा है पॉलीगैमी करने से, तो वो हमारी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए है, और जो गवर्नमेंट है वो बना सकती है सोशल वेलफेयर और सोशल रिफॉर्म्स के लिए, तो वो आपके आर्टिकल 225 क्लॉज 1 का वॉयलेशन नहीं है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे को हमारे रिलीजन के अंदर बोला है, क्योंकि वो एसेंशियल पार्ट नहीं है आपके रिलीजन का। अगर एसेंशियल पार्ट होता तो फिर गवर्नमेंट नहीं बनाती, लेकिन वो एसेंशियल पार्ट नहीं है और वो सोशल वेलफेयर और सोशल रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट इसके लिए बना सकती है। और ये वाली बात तो मैंने आपको बताई दी कि जितने भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं उनके जो डोर्स हैं वो गवर्नमेंट ओपन करवा सकती है, कि आप ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बंद कर दो, मतलब पर्टिकुलर क्लास के लिए आप बंद कर दो। और यहाँ पे हिंदू ये जो वर्ड है ना, इसके अंदर जितने भी रिलीजन है इंडिया के अंदर, मुस्लिम को छोड़ के, सिख, जैन और भी को अगर कोई रिलीजन आ रहा है, बुद्धिस्ट, ये सब चीज़ें, सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी, सभी के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने एक्सप्लेनेशन के अंदर भी दे दिया, जैसे सेकंड एक्सप्लेनेशन है ना कि हिंदू के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, तो सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, तो सब सबके लिए कर सकती है गवर्नमेंट ये चीज़। और एक्सप्लेनेशन वन क्या बोल रही है, पर्टिकुलरली सिख रिलीजन के लिए बोल दिया कि जो ये कृपाण रखते हैं, जैसे सिख रिलीजन के अंदर होता है कि जो सिख्स होते हैं उनको अपने पास क्या रखनी होती है, कृपाण रखनी होती है, क्योंकि उनके अंदर रिलीजियस में ऐसा बताया गया है। तो इसके अंदर बोला गया कि ये जो है उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड होगा और उनको जो कृपाण है वो रखना अलाउ किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पास न्यूमरस नंबर ऑफ कृपाण रखने लग जाएँ, बहुत सारी तलवारें अपने पास रखने लग जाएँ। एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस उनको एक तलवार रखने का अलाउ किया गया, तो वो एक तलवार रख सकते हैं बिना, मतलब तलवार नहीं, कृपाण रख सकते हैं बिना
मतलब लाइसेंस के। उसके अलावा अगर उनको कोई कृपान लेनी है और एक से ज़्यादा अगर कोई कृपान लेनी है तो उनके लिए उनको फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो ये ऐसा नहीं कर सकते कि एक से ज़्यादा रख लें अपने पास। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आती है आर्टिकल 25 के अंदर। कोई डाउट है आर्टिकल 25 में? एक नो एक बारी पढ़ लेना दोबारा से, अगर कोई चीज़ होगी तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। जल्दी से आर्टिकल 26 करते हैं, इतना बड़ा नहीं है। तो इसके अंदर आर्टिकल 26 के अंदर आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात कर रहा है। अब यहाँ पे मतलब एक तरीके से फ्रीडम दी जा रही है कि जो भी आपके रिलीजियस अफेयर्स है ना उसको मैनेज करने की बात की जा रही है, उसको आपकी आपको उसकी फ्रीडम दी जा रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है सब्जेक्ट टू, वो देखो तीन चीज़ें यहाँ पे भी आ गई। अगर इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, मॉरलिटी खराब हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे आपको रोक देगी। इसके अलावा क्या कह रहा है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, अब ये रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है इसको भी हम पढ़ते हैं। एक हमें इसके अंदर कुछ वो आते हैं, पॉइंट्स आते हैं कि ये चीज़ें होंगी तो हम बोलेंगे कि रिलीजियस डिनोमिनेशन है, या कोई भी सेक्शन है शेल हैव द राइट, यानी कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो उसके पास कुछ राइट्स दिए गए हैं। वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेज। पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिलीजियस डिनोमिनेशन होता क्या है। रिलीजियस डिनोमिनेशन अगर किसी को बनना है ना, तो उसके लिए उसको तीन बातें पूरी करनी पड़ेंगी, तो हम बोलेंगे कि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है। क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर, आप लिख सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि इट मस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, इट मस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, इट मस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। सेकेंड, इट मस्ट हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, इट मस्ट हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड, इट मस्ट बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम, इट मस्ट बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम, कि अलग से नाम से उनको आप जान रहे हो। इट मस्ट बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम। ये जो तीनों पॉइंट्स थे ना कि हम इसको रिलीजियस डिनोमिनेशन बोलेंगे, ये केस के अंदर आए थे एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है, कि रिलीजियस डिनोमिनेशन होगा क्या जिनके लिए हम ये राइट दे रहे हैं। तो देखो जो पर्टिकुलरली आर्टिकल 25 हमने पूरा पढ़ा ना, वो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात कर रहा है कि इंडिविजुअल व्यक्ति किस तरीके से अपने रिलीजियन राइट एंजॉय कर सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 26 है ना, वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज बॉडी के बारे में बात कर रहा है। जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक ऑर्गेनाइज बॉडी है जिसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं और वो अपने एक डिस्टिंक्ट नेम से जाने जाते हैं। जैसे हिंदुइज्म हो गया अपने आप में, क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, अपने आप में क्या एक रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं, ये अपने अलग डिस्टिंक्ट नेम से जाने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलीजियस डिनोमिनेशन में आ जाएंगी, और इन इस पूरी एक ऑर्गेनाइज बॉडी को हम आर्टिकल 26 के अंदर राइट दे रहे हैं। आर्टिकल 25 में हमें इंडिविजुअली राइट मिला कि मेरे को आपने अलग दे दिया, सबके लिए इंडिविजुअली दे दिया, और आर्टिकल 26 के अंदर हमने पूरी ऑर्गेनाइज बॉडी को राइट दिया कि इन सबके पास ये राइट है, ये जो पूरी बॉडी है इसके पास ये राइट है। तो क्या क्या राइट है ऑर्गेनाइज बॉडी के पास? सबसे पहले एस्टेब्लिश एंड मेंटेन। ये देखो ये दोनों वर्ड ना हमें साथ में पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड है। आप इन दोनों को वर्ड को अलग अलग नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप सिर्फ एस्टेब्लिश पढ़ रहे हो और फिर ये लाइन पढ़ जाओगे, या मेंटेन पढ़ो फिर ये लाइन पढ़ जाओगे। एस्टेब्लिश एंड मेंटेन यानी कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश भी करते हो और फिर उसको मेंटेन भी करते हो किसी रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो उसका पूरा राइट आपके पास रहेगा। आप उसको मेंटेन कर सकते हो, उसके अंदर जो भी डिसीजंस लेने, जो भी चीज़ें जितनी भी आपको करनी है आप उसके रिगार्डिंग कर सकते हो। पहले पॉइंट के अंदर ये आता है, आपको एस्टेब्लिश भी करना है और मेंटेन भी करना है। इसके अंदर केस आता है जो इस बारे में बताता है कि हमें ये दोनों वर्ड्स भी एक साथ पढ़ने हैं। अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1968 का केस है, अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या हुआ था, इस केस के अंदर अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आप जानते हो, वो उसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हुआ था कि ये जो है मुस्लिम्स के द्वारा ही कंट्रोल होनी चाहिए, सारे डिसीजंस उन्हीं के द्वारा लेने चाहिए, क्योंकि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है और वही इसको मेंटेन करते हैं। तो गवर्नमेंट ने हेल्ड किया कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, आप इसको अभी मेंटेन तो कर रहे हो लेकिन इसको एस्टेब्लिश आपने नहीं किया, आपकी जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है इन्होंने एस्टेब्लिश नहीं किया इसको, तो इसलिए आप इसके ऊपर इसको मेंटेन करने का राइट भी नहीं मांग सकते। और ये अपने आप में पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी थी, इसको आपने एस्टेब्लिश नहीं किया था, तो इसलिए आप आर्टिकल 26 क्लॉज 1A के हिसाब से आप इसके अंदर चीजें नहीं मांग सकते, आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते। ये वाला इसका मेन केस है जो आर्टिकल 26 क्लॉज A का है।
ठीक है। फिर एक और केस आता है इसके अंदर, ये भी एक फेमस केस ही है, इसके ऊपर अभी पीछे भी काफ़ी चलता था, बिरा किशोर देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, BIRA, बिरा किशोर देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। तो साउथ के अंदर एक टेम्पल है श्री जगन्नाथ टेम्पल, सुना आपने जगन्नाथ टेम्पल का नाम? यस सर। तो इसके अंदर क्या था, जो इनका मैनेजमेंट था ना, जो भी जितनी भी इनके अंदर जो गवर्नमेंट थी एक तरीके से, उन्होंने क्या किया था, एक मतलब अपने हिसाब से इन्होंने जो इनका मैनेजमेंट था, जिन जो भी उनकी सेक्युलर एक्टिविटीज़ हो रही थी, वो एक कमेटी के हाथ में दे दी थी, जो कि इस एक्ट के थ्रू बन रही थी। श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट बनाया था इन्होंने, उसके थ्रू एक कमेटी बन रही थी, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया गया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो आप एक्ट बना के, ये जो पूरा मैनेजमेंट है, इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी इनके हाथों में दे रहे हो। मतलब एक तरीके से पहले एक राजा थे पुरी के, उनके हाथों में इसका मैनेजमेंट रहता था, जो भी राजा बनते थे उनके हाथों में रहता था। तो उससे निकाल के जो आप एक्ट के थ्रू कमेटी के हाथ में कंट्रोल दे रहे हो, ये अपने आप में रिलीजियस एस्पेक्ट को कहीं पे भी हर्ट नहीं कर रहा। क्योंकि देखो जो ये चीज़ है ना, जो हमारे आर्टिकल 26 है, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको रिलीजियस चीज़ों से बचा रहा है। मतलब कि आपकी रिलीजन के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर रिलीजन से हट के कोई चीज़ है, जैसे कि कोई सेक्युलर नेचर की चीज़ है, टेम्पल का पुजारी हो आपने अपॉइंट करना है या और कोई चीज़ करनी है, उसके अंदर गवर्नमेंट आ सकती है। अब देखो, अब पुजारी अपॉइंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कोई चीज़ आपकी छेड़छाड़ नहीं की जा रही रिलीजन से। लेकिन अब उस पुजारी को आप ये बताओ कि कैसे पूजा करनी है, किन रिचुअल्स को फॉलो करना है, वहाँ पे आप रिलीजन से छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं कर सकते आप। लेकिन किसको अपॉइंट करोगे, कौन मैनेज करेगा, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है। सर केस का नाम बताना तो दोबारा से। बीरा किशोर देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, BIRA, बीरा किशोर देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, 1964 का केस है। ठीक है सर। देन बस यही है इसके अंदर, तो यही है इसके अंदर। बाकी पढ़ोगे क्या बोल रहा है, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, की जो भी उनके खुद के अफेयर्स हैं रिलीजन से रिलेटेड, वो सब मैनेज कर सकते हैं वो। टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड देखो एंड क्या बोल रहा है, मतलब ये दोनों आप एक साथ पढ़ोगे, टू ये वाला सी और डी, टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, की वो ओन कर सकते हैं और मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं लॉ के हिसाब से। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, 26 में यही है, और कुछ है नहीं 26 के अंदर। कोई डाउट है वैसे 26 के अंदर? नो सर। फिर आर्टिकल 27 आ जाता है। 27 बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि अगर आप किसी भी रिलीजन से, तो आपको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप किसी भी तरीके के टैक्सेस पे करो गवर्नमेंट को। द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसिस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी आपसे किसी भी धर्म के नाम पर, कि आप इसको फॉलो करना चाहते हो या उसका मेंटेनेंस की जाएगी, ऐसा कुछ भी किया जाएगा, गवर्नमेंट ये सब चीज़ें नहीं कर सकती आपसे, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं चार्ज कर सकती। कि और ऐसा भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट, मान लो कि गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स कलेक्ट कर रही है किसी नाम से, कुछ भी नाम बोल के कोई टैक्स कलेक्ट कर रही है, और फिर उस पूरे टैक्स को किसी किसी धर्म को बढ़ाने के लिए या उसके किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर लगा रही है, तो ये चीज़ें करना भी गवर्नमेंट को अलाउड नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं करेंगी। आर्टिकल 27 इसके लिए मना कर रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर फीस लगा सकती है। फीस और टैक्स के अंदर फर्क होता है। देखो टैक्स जो होता है वो एक कंपलसरी चीज़ हो जाती है कि आपको देना ही पड़ेगा। फीस होता है कि आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो, मतलब कि जो भी उसकी सर्विसेज लेते हो, तो आपको उसके लिए देनी पड़ रही है। मैं इसका एक फैक्ट बता देता हूँ, पहले केस का नाम लिख लो, रति लाल वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1954 का केस है, रति RATI, रति लाल वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसके अंदर क्या था कि जैसे जो भी डिवोटीज होते थे उनसे फीस ली जाती थी, और ये क्यों ली जाती थी, इन्होंने कोई एक मिनट को मैनेजमेंट बनाया था इसके लिए। यार ये केस, ये वाला रहन दो, ये वाला हटा दो, ये वाला केस सही नहीं है, ये वाला केस रहन दो, है तो ये तब ये भी सेम ईयर का, ये वाला रहन दो। दूसरा लिख लो जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, ये वाला लिख लो जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा,
जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसके अंदर क्या था कि जैसे वो फीस वगैरह चार्ज कर रहे थे लोगों से, तो उसके अंदर बोला गया कि ये जो फीस है ना, ये आपकी आर्टिकल 27 के हिसाब से कोई टैक्स नहीं है। और ये फीस वो किस चीज़ के लिए ले रहे थे, जो भी उन्होंने एक ऑफिस बनाया था, कमिश्नर और उसका ऑफिस बनाया था, जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, ये जो पूरा जगन्नाथ इंस्टीट्यूशन था उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था। तो उसके लिए जो डिवोटीज थे उनसे कुछ फीस वगैरह चार्ज की जा रही थी, लेकिन वो टैक्स नहीं था, टैक्स के नाम पे नहीं, फीस की जा रही थी कि हम मेंटेन कर रहे हैं उसको। तो ये जो चीज़ है आर्टिकल 27 को वॉयलेट नहीं करेगी, ये चीज़ इस केस के अंदर बोली थी। तो इस तरीके से अगर आप फीस लेते हो तो वो टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। फीस किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है, मेंटेनेंस के लिए होती है, वो आपके टैक्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी। तो आर्टिकल 27 में यही मेन केस है जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का। जो दूसरा बताया था उसके भी यही फैक्ट्स है, लेकिन ये वाला के अंदर ज़्यादा सही है, मेरे को ये ज़्यादा ठीक लगा। देन आपका आर्टिकल 28 आ जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस। तो देखो चार पॉइंट आते हैं इसके अंदर, जो चार चीज़ें निकल के आएंगी इसके अंदर से, कि कोई भी जो गवर्नमेंट है ना आर्टिकल 28 क्लॉज 1 और 2 के अंदर, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, चार तरीके की इंस्टीट्यूशंस बनेंगे इस आर्टिकल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। मैं इसको लिख के बता देता हूँ, एक सेकेंड, इसके ऊपर पेंट के ऊपर लिख देता हूँ, फिर आर्टिकल को पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। चार तरीके के इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होंगे या कोई भी होंगे। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि होली, कौन मेंटेन करेगा, इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे। दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि रिकॉग्नाइज बाय स्टेट होंगे, मेंटेन नहीं होंगे, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट होंगे। तीसरे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि स्टेट फंड से एड ले रहे होंगे, स्टेट फंड से एड ले रहे होंगे। और चौथे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि एडमिनिस्टर कर रहे होगा, कौन उन्हें, स्टेट कर रही होगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट कर रही होगी, लेकिन वो किसी ट्रस्ट या एंडोमेंट के हिसाब से इंस्टीट्यूशन बना होगा, ट्रस्ट या किसी एंडोमेंट के हिसाब से इंस्टीट्यूशन बना होगा। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला है जो कि होली मेंटेन बाय स्टेट है, इसके अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि पूरे का पूरा स्टेट के द्वारा ओन हो रहा है, पूरा मेंटेन स्टेट के द्वारा हो रहा है, तो इसके अंदर आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे, किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे। लेकिन जो ये दोनों है, जहाँ पे रिकॉग्नाइज बाय स्टेट है या स्टेट फंड जहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे पार्टली एडेड कह सकते हो आप, यहाँ पे तो फुली यहाँ पे पूरा फंड ही स्टेट से आ रहा है ना, लेकिन ये रिकॉग्नाइज बाय स्टेट है और यहाँ पे पार्टली एक तरीके से आप बोल सकते हो फंड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी इसके अंदर इंडिविजुअल्स है ना उनके आप कंसेंट के थ्रू यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। और ये जो है हमारा जो कि जो जिसको एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट कर रहा है, लेकिन वो किसी ट्रस्ट या एंडोमेंट के हिसाब से कोई इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ है, वहां पे आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, उसके अंदर कोई मनाही नहीं है इस वाले के अंदर। तो अब देखो आर्टिकल 28 को अगर हम पढ़ेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगा कहाँ गया ये रहा। कि देखो क्या बोल रहा है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट बाय स्टेट फंड्स। तो जो कि पूरी तरीके से स्टेट फंड से कंट्रोल हो रहा है, वहां पे कोई भी आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे। देन नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, की स्टेट उसको एडमिनिस्टर कर रही है बट हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, कि किसी ट्रस्ट या एंडोमेंट के अंदर बनी है वो, विच रिक्वायर दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दोगे जो कि किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट के थ्रू, जो ट्रस्ट एक्ट होते हैं जो चीज़ें पढ़ते हैं उसके थ्रू अगर कोई इंस्टीट्यूशन बन रहा है तो वहाँ पे दिए जाएंगे। और तीसरा बोल रहा है, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दैट मे बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन और टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप दैट मे बी कंडक्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन और एन एनी प्रमाइसिस अटैच देयर टू अनलेस सच पर्सन, कंसर्न लेने की बात की जा रही है यहाँ पे, और इफ सच पर्सन इज अ माइनर हिज गार्डियन हैज गिवन द कंसर्न देयर टू, या तो उस व्यक्ति ने या फिर उसका जो गार्डियन है, अगर वो खुद बच्चा माइनर है तो उसके गार्डियन ने अगर कंसर्न दिया तो फिर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। जो मैंने दो बीच में बताए ना, जो ये वाले दोनों बताए, इनकी बात हो रही है यहाँ पे, कि रिकॉग्नाइज बाय स्टेट हो या स्टेट फंड एडेड हो, यहाँ पे आप उनके कंसर्न से क्या कर सकते हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। लेकिन आपको उस इंडिविजुअल की या फिर अगर वो बच्चा माइनर है तो जो उसके गार्डियन है
उसकी कंसर्न से आप ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, यही चीज़ है इसके अंदर। इसी के अंदर ना केस आता है जो एक एक ही केसेस वाले के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, DAV कॉलेज वर्सेस कॉलेज बठिंडा का है ये, बठिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, और ये आपका केस 1971 का है, DAV कॉलेज बठिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंदर क्या है कि ना जो ये यूनिवर्सिटी होती है ना, गुरु नानक यूनिवर्सिटी होती है, उसका सेक्शन 4 होता है, उसकी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है इसी इसी आर्टिकल 28 के चलते। कि यहाँ पे क्या था कि एक प्रोविज़न डाला गया था जिसके अंदर ये डायरेक्शन दी गई थी कि आप जो भी लाइफ है ना गुरु नानक की, गुरु नानक देव जी की, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो टीचिंग्स है, वो सारी आप बच्चों के बीच में पढ़ाओगे। तो ये बोला गया कि आर्टिकल 28 का वायलेशन हो रहा है, जब कोर्ट गए गए तो कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि ये जो चीज़ है सेक्शन 4 के अंदर ये आर्टिकल 28 को वायलेट कर रही है। जबकि ये क्या करती है कि जो एकेडमिक लाइफ है गुरु नानक की, अगर आप उसके बारे में पढ़ा रहे हो तो ये कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप उनके बारे में बता रहे हो कि उन्होंने ऐसा किया, उनकी टीचिंग्स ऐसी थी, इसके अंदर आप कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे या किसी भी तरीके से प्रमोशन नहीं कर रहे किसी रिलीजन का, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इस चीज़ को बोला कि आप यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे जो कि इन चार बातों को वायलेट कर रही हो, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के अंदर नहीं आएंगी अगर आप उनके बारे में पढ़ा रहे हो तो। आप ये थोड़ा ना बोल रहे हो किसी से कि आप इस रिलीजन को फॉलो करो, ये होता है ये होता है, आपने सिर्फ उनके बारे में बताया कि उन्होंने क्या किया था, क्या चीज़ें थी, ये सब चीज़ें बताई थी। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई थी, और इसके अंदर सिर्फ एक यही वाला आर्टिकल 28 के अंदर इंपॉर्टेंट केस है, DAV कॉलेज बठिंडा वर्सेज स्टेट ऑफ UP का। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 28 होता है कम्प्लीट, और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये होता है कम्प्लीट। देन हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आता है, ये वाले हम कल कर लेंगे परसों, यानी कि 29 और 30। कोई डाउट है इनमें चारों पाँचों में?